नमस्कार, एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी तो काफी बनी थी। पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 5% की गिरावट, या पिछले एक महीने की भी अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में करीबन 4.5% की बड़ी गिरावट रही है। वही नेचुरल गैस की अगर बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर प्राइजेस ने लोअर लेवल से उभरता हुआ दिखाई दिया है 3.5% की तेजी के साथ। नो डाउट मार्केट पिछले एक हफ्ते में एक रिंग बाउंड है 190 के इर्द-गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसर्न्स काफी ज्यादा रहेंगे ये हफ्ते में, बिकॉज ओपेक प्लस की मीट है 4 तारीख को, साथ में हम देख रहे हैं यूएस में जो डेट सीलिंग है उसका भी कंसर्न्स बन रहा है। बट कच्चे तेल में जो हायर साइड से हमने एकाएक गिरावट देखी उसके मुख्य कारण है सबसे पहले मजबूत डॉलर जो अभी हमने रिसेंटली देखा था, और चाइना से जो डेटा था ये कहीं ना कहीं ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखा रहा, अभी भी कंसर्न्स बन रहे। हमने पहले भी देखा कि चाइना से उम्मीद काफी थी कि डेटा अच्छे रहेंगे और कंजम्पशन बढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मीनवाइल गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ओपेक प्लस जो अपना प्रोडक्शन है वो अनचेंज ही रख सकते हैं। वहीं ओपेक ने पिछले मई में हमने देखा था 4,60,000 बैरल के आउटपुट में फॉल आते हुए देख रहे, जिसकी वजह से प्राइसेस में सपोर्ट मिला भी था। ओपेक के अंदर हमने देख रहे हैं कि ईरान की एंट्री ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो सैंक्शंस लगे थे अब अपलिफ्टेड हो चुके हैं जिसकी वजह से ये एंट्री हुई है। तो 4 तारीख को जो ओपेक प्लस की मीटिंग रहेगी इससे हमें आगे की रणनीति पता चलेगी। बट कहीं ना कहीं यूएस के जो सेल प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं, डिमांड के कंसर्न है जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप जरूर लग रहा है। बट WTI हमें लगता है कि 68-67 डॉलर का एक सपोर्ट है और 72 का रेजिस्टेंट है। वहीं ब्रेंट की अगर बात करें 70 से लेकर 76 का एक ब्रॉडर रेंज हम ब्रेंट में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो वार्मर वेदर या नॉर्मल वेदर के चलते प्राइसेस में डिमांड नहीं आ पा रही, 200 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट यूएस के जो आउटपुट है वहां पे हम इंक्रीजमेंट देख रहे हैं, वहीं डिमांड में ड्रॉप है जिसके चलते प्राइसेस में दबाव बना हुआ है एज ऑफ नाउ। अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है प्राइसेस एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा जो 180 से 220 का रेंज रहेगा। टाइमिंग 186-187 इज गुड टू बाय, ऊपर में अगर 198 का लेवल तोड़ता है तो 210-12 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो ओपेक की मीट के बाद ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। एक तरफ हम डिमांड कंसर्न देख रहे हैं जिसकी वजह से भाव में अपसाइड में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आ रही, बट रशिया ने जिस ढंग से कहा है कि आगे प्रोडक्शन अनचेंज रखेंगे, लेकिन सऊदी एंड मिडिल ईस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि फर्दर प्रोडक्शन कट करना चाहिए, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइसेस को एक बूस्ट मिलेगा। तो कच्चे तेल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 5600 के करीब लेके चलिए, 5850 तक के टारगेट मिल जाएंगे। नेचुरल गैस में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।